कतर की राजधानी दोहा में 1 जुलाई को अफगानिस्तान को लेकर यूएन की एक बैठक हुई। पहली बार अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वार्ता में भाग लिया। हालांकि तालिबान की इस भागीदारी से अभी भी कई देश हैरान हैं। इस बैठक में कुल 25 देश शामिल हुए। बड़ी बात ये रही कि इस बैठक में भारत ने भी हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस में खास तौर से अफगानिस्तान में महिला की स्थिति पर बात हुई। बैठक में शामिल कई वक्ताओं ने अफगानिस्तान में महिलाओं की दुर्दशा के बारे में चिंता जाहिर की। हालांकि यूएन ने स्पष्ट कर दिया था कि इस बैठक का मकसद तालिबान को मान्यता देना नहीं है। इसके बावजूद कई मानवाधिकार संगठनों ने मीटिंग की आलोचना की और सवाल भी उठाए। इन संगठनों ने मांग की है कि जब तक अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान महिलाओं के अधिकारों का हनन करता रहेगा, तब तक ना उससे बात की जाए और ना उसे मान्यता मिले। वहीं यूएन द्वारा आयोजित की गई तीसरी दौर की बैठक में अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद के साथ 5 सदस्यीय तालिबान प्रतिनिधिमंडल दोहा पहुंचा था। जबीउल्ला ने खुद ये बात कही कि दोहा बैठक में तालिबान की भागीदारी दर्शाती है कि अफगानिस्तान का इस्लामी शासन सकारात्मक जुड़ाव के लिए प्रतिबद्ध है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा, उसे सभी देशों के सामने अपनी बात रखने का मौका मिला। जबीउल्ला मुजाहिद ने एक्स पर लिखा कि बैठक के दौरान रूस, भारत और उज्बेकिस्तान जैसे देशों के प्रतिनिधियों से बात की। इस दौरान भारत से मिले समर्थन के लिए तालिबान ने धन्यवाद भी दिया। अब देखा जाए तो वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्रों में तालिबान के खिलाफ तमाम प्रतिबंध लगे हैं, तो ऐसे में तालिबान इस बैठक को एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देख रहा है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो चुकी है, ऐसे में तालिबान की मांग है कि उस पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाए। और वैसे भी तालिबान के लिए ये एक बड़ा मौका था जहां कई देशों की भागीदारी थी। अफगानिस्तान पर हुई यूएन की मीटिंग में भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के अधिकारी जेपी सिंह भी शामिल हुए थे। जेपी सिंह ने इसी साल मार्च में काबुल का दौरा किया था और वहां तालिबान के नेताओं के साथ बैठक भी की थी। तालिबान के विदेश मंत्री मुताकी ने मार्च में भारत के जेपी सिंह के साथ हुई बैठक में कहा था, हम भारत के साथ राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। अब देखा जाए तो भारत और तालिबान के बीच संबंधों में बीते कुछ समय में नरमी देखी गई है। भारत अफगानिस्तान में मानवीय और सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहा है। हालांकि अफगानिस्तान और भारत की बढ़ती नजदीकियों से सबसे ज्यादा किसी को झटका लगेगा तो वो है पाकिस्तान। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।